हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम एक प्रिंटर के ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। तो ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, मैं इस प्रिंटर को कुछ ऊंचाई से नीचे गिराऊंगा और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जैसा आप देख सकते हो, ऊंचाई लगभग 10 फुट है, तो देखते हैं प्रिंटर की ड्यूरेबिलिटी कैसी है। 3, 2, 1। तो पहली बार में इसका जो ऊपर वाला कवर है वो निकल गया। फिर से ट्राई करते हैं। दूसरी बार में कैटरिज होल्डर जो रहता है, जो प्रिंटर के अंदर रहता है, वो निकल गया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। थ्री टू वन। फिर से जैसा आप देख सकते हो, इसका जो अंदर वाला भाग है वो निकल चुका है। फिर से एक बार ड्रॉप करते हैं। थोड़ा ऊपर से मैं फेंकता हूँ तो प्रिंटर पूरा खराब हो चुका है। देख लेते हैं पास से। जैसा आप देख सकते हो, प्रिंटर का जो ऊपर वाला भाग है वो निकल चुका है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मैं थोड़ी ऊपर से नीचे इसे गिराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा आप देख सकते हो, देख लेते हैं, एक दो प्लास्टिक के हिस्से इससे अंदर से निकल गए हैं। फिर से एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं। जैसा आप देख सकते हो, तो गया प्रिंटर पूरा। तो अभी आप जैसा देख सकते हो, लगभग जो एक्सटर्नल फिटिंग्स थे वो पूरे निकल चुके हैं। थोड़े बहुत इंटरनल डैमेज भी हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ जो सर्किट्स हैं वो अभी भी टाइटली फिक्स्ड है। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि जो प्रिंटर्स रहते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं। अगर आपके हाथों से वो फिसल कर नीचे वगैरह गिर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 10 या 12 फुट की ऊंचाई से लगभग 4 या 5 बार इस प्रिंटर को नीचे गिराया, तब भी जो एक्सटर्नल फिटिंग्स है वही निकले हैं, लेकिन जो इंटरनल फिटिंग्स है वो अभी भी टाइटली फिक्स्ड रहते हैं। इसलिए प्रिंटर्स आपका ड्यूरेबल रहता है। तो गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।